कहते हैं बेटी सही सलामत खुशी खुशी पिता के आंगन से अपने घर के लिए विदा हो जाए तो माँ बाप के लिए इससे बड़ा सुख और कुछ नहीं होता। बेटी की विदाई एक माँ को इतनी महंगी पड़ी कि उसकी कीमत उसने अपनी जान देकर चुकाई। मारा भी तो किसने? अपने ही पति ने। मामला नालंदा जिले के नूरसराय का है, जहाँ एक पति ने अपनी पत्नी को बेरहमी से चाकुओं से गूंथ कर मार डाला। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बेटी की शादी में रस्मों को लेकर पति पत्नी में कुछ अनबन हुई थी, जिसके कारण पति ने पत्नी को मार दिया। नूरसराय थाना क्षेत्र इलाके के बराड़ा पंचायत में हैवान पति ने अपनी ही पत्नी को चाकुओं से गोद गोद कर मौत के घाट उतार दिया। इन सब में सबसे दुखद यह है कि इस घर में आज ही बेटी की शादी हुई थी। घटना के संबंध में मृतक के रिश्तेदारों ने बताया कि मृतका के पति का नाम बिंदा मांझी है। बिंदा मांझी के घर में बेटी की शादी थी। लड़की की विदाई के बाद शादी में होने वाली रस्मों को लेकर पति पत्नी के बीच कुछ विवाद हुआ। यह विवाद इतना बढ़ गया कि पति ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि रिश्तेदार और गांव के लोग मामले पर साफ साफ कुछ भी कहने से बच रहे हैं। बातों बातों में ही लोगों ने यह बताया कि घटना के समय घर में सिर्फ पति और पत्नी ही मौजूद थे। दोनों के बीच कहा सुनी हुई थी, जिसके बाद यह घटना हुई। हाँ, बेटी के शादी है खन सर। अच्छा, तो फिर की होले? तो फिर ने लड़की के की कल है विदा करा। अच्छा, हमने नहीं रहले त हमने न आया नवतान हमने गिरहारी खाली हाल भेज दिया है। अच्छा, तो दोनों में झगड़ो उगड़ो होले है? हाँ, दोनों पर आने नाम नहीं कोई है, मर्दाने खाली है। तो दोनों में झगड़ो होले है? हाँ। कहला गिरहारी मानू सादा है ने। हाँ। तो गहना लगाया तो गहना नौता देगा तब न गिरेगा। हाँ। केकरो देवे नहीं करा तो कैसे होवेगा? तो वह किस का के गाय मार दे मारर को सर। ओ, तो मैंने उसी को लेकर विवाद हुआ था दोनों। हाँ, में दोनों में अब कोई नहीं है। तो मैंने मर लखिन तो मर ले गया देखो नहीं। तो कैसे मर लखिन वो? अ कैसे मर रहा है जे की किया हम मुखिया जी देखबे करा है। अच्छा, तो छेड़ के नाम बोले तोहर की नाम रे बताई नाम हमर की रहते ई लोग मांझी है सब। हमरा वो गांव पर घर है ना। हम लोग को सुबह तक कोई जानकारी नहीं। अच्छा, तो अभी क्या जानकारी मिला? अभी तो यही जान रहे हैं कि वो मर गया। अब न कारण मरने का कारण तो कुछ निकालिए नहीं रहा है, कोई कुछ बताइए नहीं रहा है। तो पता चला कि नहीं हस्बैंड चाकू मार के भाग गया? नहीं, ऐसा कोई न्यूज़ नहीं मिल रहा है। आए? तो आस पास होगा हॉस्पिटल से सर। तो मौत हुई है? हाँ, मार तो गेबे किया। तो उसका पति काहे भाग गया? पति काहे भाग गया जो तो पति ना जानेगा सर। भागने का कारण पति का है, भाग गया वो तो पति ही जानेगा। और तो पूरे मामले पर पुलिस की थ्योरी एक अलग ही दिशा में जा रही है। पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया या हत्या नहीं बल्कि डिहाइड्रेशन से हुई मौत का मामला लग रहा है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि मौत का कारण क्या है। घटना के बाद से ही मृतका का पति बिंदा मांझी फरार है, जिसे लेकर गांव वाले यह कयास लगा रहे हैं कि अगर महिला की मौत डिहाइड्रेशन से हुई है तो उसका पति उसकी मौत के बाद घर से फरार क्यों हुआ।